टोटल वैकेंसी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग आज बात करने वाले हैं बीटीएससी एवं बिहार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आज की डेट में जितनी भी जानकारियां समाचार या फिर पेपर के माध्यम से या फिर ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से जितनी भी जानकारियाँ निकल करके आ रही है उन सभी को इसी वीडियो के अंदर कवर कर लिया जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से जरूर देखिए। तो सबसे पहला अपडेट जो निकल करके आ रहा है वो आपका सीएचओ की तरफ से होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे सीएचओ के रिगार्डिंग एक नोटिस जो है राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के वेबसाइट पे एसएचएसबी के वेबसाइट पे रिलीज कर दिया गया है। आप सभी चाहो तो इस नोटिस को पढ़ सकते हो, वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हो या फिर एसएचएसबी के वेबसाइट पर जाकर के पढ़ सकते हो। मैं यहाँ पे मोटा मोटी जानकारी दे देना चाहता हूँ कि ये आपका रिगार्डिंग में है बीएनआरसी के सर्टिफिकेट से के रिगार्डिंग में कि यहाँ पे सीएचओ लोगों को यहाँ पे बीएनआरसी का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, उनको सबमिट करना है। आप डिटेल्स के लिए इसके ऊपर अगर आप कमेंट करिएगा तो इसके ऊपर डिटेल्स में वीडियो बना दिया जाएगा। अभी हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट की ओर। और हमारा जो नेक्स्ट अपडेट निकल करके आ रहा है वो भी आपका राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार की तरफ से निकल करके आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बैड न्यूज़ आप सभी के सामने यहाँ पे रिलीज कर दिया गया है कि यहाँ पे एक वैकेंसी को रद्द कर दिया जाता है या फिर रद्द बोल सकते हैं या फिर किसी अभ्यर्थी को चयन ही नहीं किया गया है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट और एनटीसीपी के नाम से ये जो वैकेंसी थी उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि उनको योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल पाए, इसी कारण उस वैकेंसी में किसी भी अभ्यर्थी का चयन नहीं हो पाया। और ये जो नोटिस है ये आपको एसएचएसबी के ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो आप सभी लोग एक बार चेकआउट कर सकते हो या फिर इसमें कुछ खास जानकारी नहीं है लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा बैड न्यूज़ आप सभी के सामने जो लोग भी इसमें अप्लाई किए थे उन लोगों के लिए यहाँ पर होने वाला है। अभी हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट की ओर जो कि रिगार्डिंग इसी से रिगार्डिंग में है। तो जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि एक और नोटिस जो रिलीज कर दिया गया है उसमें भी वही सेम रीजन देते हुए यहाँ पे बताया जा रहा है कि योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल पाया और उन सभी रिक्त पदों को नहीं भरा जा पाया और उन सभी जो भी यहाँ पे वैकेंसीज थी वहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो कि इन सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और काउंसिलिंग भी हुआ था उसके बाद भी इनको योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल पाया है। अब मुझे ये नहीं पता ये सरकार का बहाना है या फिर ये रियलिटी है, ये सभी चीज़ तो अब अंदर के लोग ही जाने कि ये क्या चल रहा है उनके मन में। मैं बस आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि यहाँ पे दो वैकेंसीज को रद्द कर दिया गया या फिर कह सकते हैं कि दो वैकेंसी पे यहाँ पे बहाली नहीं लिया गया है और रीज़न क्या दिया जा रहा है कि उनको योग्य अभ्यर्थी नहीं प्राप्त हुए, योग्य अभ्यर्थी उनको नहीं मिल पाए इसलिए किन्हीं का भी चयन नहीं किया गया है यहाँ पर। आज की इस वीडियो के अंदर यही कुछ तीन चार जानकारियां थी जो मैंने आप सभी के सामने यहां पे ला करके रख दिया है और ये जो सारी जानकारियां हैं एकदम वेरीफाइड जानकारियां, जो भी जानकारियां इस चैनल के माध्यम से बताई जाती है वो 100% रियल होती है। और आप सभी को क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ऐसे ही और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, क्योंकि हर एक दिन का जो भी दिन होता है उस दिन में जो भी कुछ सूचनाएँ अखबार के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से या फिर नोटिस के माध्यम से रिलीज किया जाता है उन सभी पर हमारी नज़र रहती है, हमारी टीम की नज़र रहती है। जैसे ही कोई भी नोटिस आता है वो आपको एक ही वीडियो के अंदर बता दिया जाएगा। और हाँ, अगर आप किसी एक टॉपिक पे डेडिकेटेड चाहते हो कि हाँ सर इस वाले पे वीडियो बना दीजिए तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। आपको कोई भी परेशानी आ रही हो, किसी भी चीज़ के बारे में जानना हो तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, उसके ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगा। हमारे तरफ से उसके ऊपर वीडियो बनाने का पूरा प्रयास किया जाएगा, आप सभी के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व जरूर से जरूर किया जाएगा। आज के इस वीडियो के अंदर यही कुछ था। मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में। तब तक के लिए जय हिंद।